अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर नवाज। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया इंसान की ज़िंदगी के हवाले से कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। हम बात करेंगे मशहूर यूट्यूबर हसाम और उनकी अहलिया शुमैला के हवाले से। जी बात करते हैं इस्लामाबाद के मारूफ यूट्यूबर हसाम, जो कि बहरिया टाउन में रहते हैं। इन्हें 10 साल पहले अपनी यूनिवर्सिटी फेलो शुमैला से मोहब्बत हो गई, जो शादी तक जा पहुंची। ये एलीट क्लास के इस्लामी तालीमात से मुतासर बच्चे थे। हसाम के चेहरे पर दाढ़ी और शुमैला के सर पर दुपट्टा हुआ करता था। ये एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें एक फूल सी बच्ची से भी नवाजा था। एक दिन हसाम ने अपनी बीवी शुमैला को यूट्यूब पर अकाउंट बना कर दिया और उसे ब्लॉगिंग भी सिखाई। अब ये दोनों एक साथ ब्लॉग बनाते और इनकी वीडियोस लाखों अफराद तक जाती रहती। आहिस्ता आहिस्ता हसाम की शोहरत का सूरज ग्रुप और शुमैला की शोहरत का सूरज चढ़ता गया। एक दिन ऐसा भी आया कि शुमैला हसाम से बड़ी ब्लॉगर बन चुकी थी और उसका दिमाग खराब होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी देखा गया कि लड़की के सर से दुपट्टा और हिजाब भी मुकम्मल उतर गया और चेहरे से शर्मो हया भी बिल्कुल रुखसत हो गई। हसाम अब उसे मौलवी लगने लगा। नाज़रीन, याद रहे कि शोहरत का नशा शराब के नशे से भी सख्त नशा होता है। चुनाचे इसी नशे के जेरे असर शुमैला एक दिन अदालत जा पहुंची और हसाम से खुला और तलाक का मुतालबा कर डाला। खबर चली कि शुमैला और हसाम की राहें जुदा जुदा हो गई। एक हंसता बसता घर उजड़ गया, एक खूबसूरत जोड़ा टूट गया। हसाम अब बेवफाई, लालच, मतलबी जैसे मफहूम लिए अशार अपनी स्टोरीज में लगाया करता है और काफी अपसेट भी रहने लगा है। और एक तरफ शुमैला अपने फैंस की झूठी मोहब्बतें समेट रही है। नाज़रीन, शुमैला और हसाम की जिंदगी की कहानी देखकर आप किसको गलत कहेंगे? शुमैला को, हसाम को, दोनों को या फिर यूट्यूब को? बताएं कहां, किससे और क्या गलती हुई है, कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा।